ensaiando até agora, meu amor. मुझसे पहले शर्फुल जमा साहब यहाँ पर माशाल्लाह से ऐसी ऐसी बातें करी, उन्होंने कर दी है। मैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कौले मुबारक से अपनी बात का आगाज़ करूँगा कि आप जिससे भी कुछ सीख लें तो वो आपके लिए उस बात का दर्जा रखते हैं। मैंने जो आज अपनी तालियाँ बजाई हैं, जो शर्फुल जमा साहब हाथ का इशारा कर रहे थे नीचे से ऊपर तक और ऊपर से नीचे तक, तो मैंने अपने उस्ताद शर्फुल जमा साहब के लिए वो तालियाँ बजाई थी। और यहाँ पर काफ़ी सारे उस्ताद गिरामी मौजूद हैं। 2004 में इसी सरजानी टाउन यूसुफ बोर्ड के इलाके से हमने पाकिस्तान हेल्पलाइन स्कूल का आगाज़ किया था और माशाल्लाह आज उसमें 512 बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं। उसके बाद पायलट सेफ्टी की ट्रेनिंग स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी में, और तकरीबन 2014 और 15 से सिर्फ और सिर्फ डिसेबल बच्चों के लिए काम करना अब पाकिस्तान हेल्पलाइन का एक काम रह गया। मेरी सिर्फ गुजारिश ये है कि जिस तरह ये बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, इस तरह घरों में माजूर बच्चे, डिसेबल बच्चे जिनकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन है, कोई स्पाइनल कॉर्ड है, कोई डेफ है, कोई डम है, वो बच्चे स्कूलों तक पहुंच नहीं पाते। उनके साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि उनके साथ ऐसा एक नारवा सुलूक किया जाता है घर में, उनको उतने में कपड़े पहनाए जाते हैं, उनको स्कूलों तक लाया नहीं जाता, या स्कूल अगर वो आ जाते हैं तो स्कूल वाले उनको एक्सेप्ट नहीं करते। आज हमारे दरमियान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के माशाल्लाह तकरीबन काफ़ी अहदेदार यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी उनसे सिर्फ ये गुजारिश है कि स्कूलों में डिसेबल बच्चों के लिए भी जगह रखें और उनको भी उसी तरीके से तालीम दें जिस तरह ये हमारे बच्चे सारे तालीम हासिल कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला वाला ने उनको वो कैपेबिलिटी दी है, उनको वो महारत दी है, उनको इतनी सलाहियतें दी हैं कि वो अगर आप उनके ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें तो यकीनन अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकेंगे और पाकिस्तान का नाम भी रोशन करेंगे। तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि हम उन बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी कर रहे हैं और उनको घरों से निकाल रहे हैं, इसी तरह वो घरों से निकलें और अपने कामों को अंजाम दें। तो इस काम में आप लोग भी भरपूर साथ हैं और एक बार मैं फिर शुक्रिया अदा करूँगा मैडम सुल्ताना का कि हर प्रोग्राम का एक आने वाला प्रोग्राम बहुत बेहतर से बेहतर अंदाज में होता चला जा रहा है। ये प्रोग्राम भी माशाल्लाह पिछले प्रोग्राम से बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम है, तकरीबन मेहमानों ने इसमें शिरकत की है और अल्लाह ताला आपके स्कूल को मज़ीद तरक्की अदा फरमाएँ, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग तालीम हासिल कर सकें। वो बच्चे जो फीस नहीं भी दे पा रहे कोशिश करें कि उनको कम फीस में भी एडजस्ट करें, लेकिन ये कि तालीम काम करें, बस यही मेरा पैगाम है। और एक शेर से बस सबके बाप का इख्तिताम करूँगा, रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं आते। बहुत शुक्रिया। स्कूल में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ की प्रिंसिपल, आइए इनसे कुछ बात करते हैं। जी
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज के प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहेंगी? एजुकेशन विल बी मस्ट। मैं ये चाहती हूँ कि इन तमाम बच्चों को इल्म हासिल करना, और हज़रत सल्लम का भी कहना है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन भी जाना पड़े, तो बस इसकी खिदमत कर रहे हैं। और आज इसी हवाले से हमने एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्गेनाइज़ किया है। जो प्रोग्राम मुरतब किया गया और जो स्कूल इंतज़ामिया थी, बहुत तरतीब से बड़ा मैनेज बहुत अच्छा किया हुआ था, और जो नज़्म व ज़ब्त था माशाल्लाह वह बहुत अच्छा था। पेरेंट्स और जो गार्जियंस थे उनकी दिलचस्पी बहुत ज़्यादा थी इस प्रोग्राम के हवाले से। और मैं ये बताता चाहूँ कि प्राइवेट स्कूल्स तो इसी किस्म के प्रोग्राम्स करते हैं जिससे बच्चों की हौसला अफजाई में इजाफा हो, बच्चे शौक और ज़ौक के साथ तालीम हासिल करने की कोशिश करें। बड़ी शख्सियात भी आ जाएगी, रफ़ा साहब आए थे, हसन महमूद साहब आए थे, बहुत सारे लोग थे। काफ़ी अच्छा प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और सेकेंड थर्ड अवार्ड दिए गए, और बहुत अच्छा क्राउड भी बहुत अच्छा था, पेरेंट्स भी अच्छे थे, बच्चों को भी अच्छा था, तमाम बच्चों का बेहद उनका मैं कहूँगा कि अल्लाह ताला उनको हर साल इसी तरह तरक्की अदा कर रहा है। मुल्क की बात तो सेरेमनी थी, मैंने सलीमुल्ला भाई ने, हसन महमूद भाई ने, अनिस पाशा भाई ने, औरंगजेब भाई ने अपनी भरपूर शिरकत की। मैं ख़ासतौर पर आज़ाद रियासत का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोगों ने भी बड़ी मेहनत की है इस प्रोग्राम के लिए। अल्लाह ताला इस स्कूल को और आज़ाद रियासत को दिन दुनिया राज्य की तरफ सेकेंडरी स्कूल इस तरह की तकरीबा जो है वो हौसला पैदा करते हैं, आगे बढ़ने का शुक्रिया अदा करते हैं। ये होना चाहिए हौसला अफजाई के लिए ऐसा प्रोग्राम आपको रखे जाने चाहिए। तो जाहिर है जो भी मेहनत करते बच्चे और उनको जब उसका रिवार्ड मिलता है तो वो तो खुशी होती है, खुशी होती है, और वो कोशिश करते हैं कि इससे भी आगे जाए। और तालीम की लगन, मेहनत का जज्बा उनमें मौजूद रहता है, और वो कोशिश करते हैं हमेशा हम पोजिशन पर रहें। बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान।